can fight it. हाय एवरीवन, साउथ का सुपरस्टार प्रभास की काल की मूवी रिलीज हुआ आप सबको याद होगा ही, और यानी 27 जून 2024 को रिलीज हो चुका है और अब तक आप सब लोग ने देखे भी होंगे। आप लोग को कैसे लगा मूवी मुझे नहीं पता, और मुझे उतना खास नहीं लगा। और मूवी में मारपीट जो था, एक एक सीन जो था काफी अच्छा लगा, लेकिन कहानी उतना जबरदस्त नहीं लगा। आपको कैसे लगा जरूर जरूर कमेंट करके बताना ना भूले, क्योंकि क्योंकि एक मूवी हर किसी को पसंद नहीं आते। आपको पसंद आया कि नहीं काल की, और काल की का यानी पार्ट टू यानी आने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है दोस्तों। एक खत्म होते ही पार्ट टू आने का तैयारी चल रहा है, और इसमें आप लोग को कहानी इस मूवी का शुरू यानी एंड से ही शुरू होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्योंकि इस मूवी में दीपिका पादुकोण जो प्रेग्नेंट होकर भाग रहा था और उसका जो पेट में बच्चा पल रहा था उसी से लेकर फिर से इस मूवी का यानी एक 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 नया कहानी शुरू होने वाला है। उसका बाप कौन है, क्या नहीं है, उसको जिस तरह से बनाया गया है ऐसा करके कुछ चीजें फिर से दिखाने जा रहा है दोस्तों। इस मूवी में जिस तरह का चीजें दिखाया गया है, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाया गया है, यानी बिना बाप की बच्चा पैदा करना ऐसा सारे का सारे चीजें इस मूवी में दिखाना मतलब दिखाया गया है दोस्तों। आने वाला टाइम पर यानी काल की टू पर ऐसा सारे के सारे चीज बाहर निकाला जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो दोस्तों काल की टू देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है जरूर जरूर कमेंट करके बताना बोले। और इस मूवी का जो खर्चा था बॉक्स ऑफिस पर काल की का यानी 100 यानी कुछ समथिंग करोड़ की खर्चा था, और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन अब तक यानी दोस्तों 600 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है, और आने टाइम पे और भी होगा। और आप इस मूवी को देख के कैसे लगा कमेंट करके बताना ना भूले, और काल की टू देखने के लिए कितने एक्साइटेड है वो भी आप बताना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।